सिस्टा के अध्यक्ष संतोष कुमार रत्नाकर ने खलारी कोयलांचल का दौरा किया। उनके साथ सिस्टा के ढोरी अध्यक्ष लक्ष कुमार नारंग और सीसीएल उप महासचिव अशोक रविदास भी आए थे। सबसे पहले सिस्टा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने डकरा स्थित अंबेडकर पार्क में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही बारी बारी से पुष्प अर्पित किया। वहीं एनके एरिया के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया। सिस्टा अध्यक्ष बनने के बाद उनका कोयलांचल का पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि सिस्टा संगठन के आने से SC ST अधिकारी कर्मचारी का काफी काम CCL में हुआ। प्रमोशन में आरक्षण तथा रोस्टर रजिस्टर का पालन करने के लिए सिस्टा हमेशा प्रयासरत रही है। इस मौके पर संगठन सचिव कन्हाई पासी, एरिया अध्यक्ष देवपाल मुंडा, ध्वजा राम धोबी, अमर लाल सतनामी, रविंद्र बैठा, लेख राम सतनामी, अनुप्रजग, हॉस्पिटल राम सतनामी उपस्थित थे। देखिएगा इधर दोनों जन देखिए, और तबका के लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपने उनको प्लेटफॉर्म मिले, किसी से डरे नहीं, अपनी मांगे रख सके। इसकी वजह से हमारी बातें मैनेजमेंट तक पहुंचती है, हमारी जो बातें हैं उन तक पहुंचाया जाता है और जो भी समस्याएं हैं SC ST के प्रति उसको दूर किया जाता है। इसके लिए आप देखते होंगे अभी तक के इतिहास में इतना 1975-73 से लेके ऑल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन प्रमोशन में जो प्रावधान है रिजर्वेशन का और रोस्टर रजिस्टर का वो तरीका से फॉलो नहीं होता है। सिस्टा के आने से जगह जगह पर विजिट किया गया, रोस्टर रजिस्टर का पालन के लिए मांग उठाया गया, तब 2012 से एकदम निश्चित तौर पर रोस्टर रजिस्टर का मेंटेन करना कंपलसरी कर दिया गया। इसकी वजह से जगह जगह सारे यूनिटों में एरिया में जाकर विजिट किया जाता है ताकि वो रोस्टर तरीके से फॉलो हो और हमारे SC ST भाइयों लोगों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का दिया गया सिस्टम उसका भरपूर लाभ मिल सके। तो इसके आने से बहुत सारे फायदा हुआ है और होना भी चाहिए। और कभी हम मंच पर नहीं बोल सकते थे, जा नहीं सकते थे, तो इसके आने से आप को मंच मिला, लीडर होकर बात रखते हैं, बोलते हैं, तो हम एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और जहां हम लोग ड्यूटी पर हैं, काम कर रहे हैं, उस जगह पर भी अपनी पहचान बना पाए, तो सिस्टा सबके लिए लाभदायक है, अच्छी बात है। महिला एसोसिएशन सिस्टा जो हमारे पूरे कोल इंडिया में है और इनका संस्थापक हमारे माननीय RS राम साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को प्रमोशन में और बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जो हमारे जब से हमारा संगठन बना है तब से हमारा संस्था जो है प्रमोशन से लेकर के हाउसिंग तक सारे जगह हम लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है। धन्यवाद।